नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। मलकानगिरी जिला काली मेला ब्लॉक लुकेल ग्राम पंचायत के अंतर्गत MPV 83 कृष्णनगर गांव में रक्षा माँ कालीन तकरीबन 40 साल पूजा पा रही है। इस पूजा के उद्देश्य से गांव के मंदिर प्रांगण में भजन संध्या के साथ कवि गान का आयोजन किया गया था। इस भजन संध्या और कवि गान सुनने के लिए आसपास के कई गांव के लोग पहुंचे थे। तकरीबन हजारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पहुंचकर श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण किया। मंदिर प्रांगण के आसपास विभिन्न प्रकार जैसे मिठाई, फल, फ्रूट, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक दुकानें देखने को मिली, जिससे भक्तगणों ने खरीदारी की। इस भजन संध्या में पहुंचे मलकानगिरी के जाने माने चेहरा समाज सेवी और दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद DPBP के जिला सभापति ललित नारायण माड़कामी, समाज सेवी और श्री कृष्ण भगवान के एक निष्ठ भक्त उत्तम ओझा जी, समाज सेवी और मलकानगिरी बंगाली समाज की पूर्व साधारण संपादक भवानी शंकर मुखर्जी, DPBP के काली मेला ब्लॉक सभापति अमल मंडल, जयंत राय, गणेश मंडल और बहुत से DPBP के कार्यकर्ता। ओडिशा मलकानगिरी जिला काली मेला ब्लॉक लुकेल ग्राम पंचायत MPV 83 गांव से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। आज तक 24 न्यूज। नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय पहुंचे मलकानगिरी जिला के कालीमेला ब्लॉक के अंतर्गत लुगेल ग्राम पंचायत के MPV 83 गांव में। यहां पे रक्षा काली माता जी के जो वार्षिक उत्सव के उपलक्ष में आज एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो है, गायक जो यहाँ पे बैठे हुए, तो इस भजन संध्या में सुदूर मलकानगिरी से तथा हैदराबाद से यहाँ पे पहुंचे थे। मलकानगिरी से दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के जिला सभापति तथा समाजसेवी ललित नारायण माड़कामी आज सबके दिल में छाया हुआ है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, वहाँ बेझिझक पहुँच जाते हैं और समस्या के समाधान निवारण करने के लिए। तो यहाँ पे मौजूद है ललित नारायण माड़कामी, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, जरा बताइएगा जो जिस प्रकार यहाँ पे आज भजन संध्या में यहाँ पे उपस्थित हुए थे रक्षा काली माता जी के उपलक्ष्य में, जरा बताइएगा। श्री ललित नारायण माड़कामी, जिला सभापति दंडकारीण पर्वतमाला विकास परिषद एवं दंडकारीण आदिवासी बेंगाली एकता परिषदर मु जिला सभापति। आउ ए संगठन हूँ टोटली सेवा संगठन। आउ सर्वप्रथमें मु आज तक 24 न्यूज को एडिटर को एवं गोविंद भाई को धन्यवाद जनाऊँ। तो संगे संगे आम जे ब्लॉक सभापति अच्छे अमल भाई को जनाऊँ। तो संगे संगे आम जो भाई आसम भाई को समस्त मुझे धन्यवाद जनाऊँ। आज जो लुगेल पंचायत MP 83 ग्राम रे जो 40तम जो काली पूजा उपलक्ष्य रे मते जो निमंत्रण करथिले, मुई सर्वप्रथमे गाँव कमिटी को एवं सर्वसाधारण आ एरिया समस्त भाई भाई को मुझे धन्यवाद जनाऊँ। जाओ खुशी खबर जे आज जो ये काली पूजा टी माने ये को माने माने चली ए अंचल प्रत्येक सर्व माने भाईचारा कर समस्त उपस्थित अच्छा आउ ये मत नाम यज्ञ मत ए गान गान चली तेणुकर मु भगवान निकट में मुझे प्रार्थना करुच्ची सबु वर्ष यहीपरी ए ग्राम रे हेथाउ आउ ए जिला को मद ए ग्राम को मद भगवान किंतु मंगल करंतु। धन्यवाद। ये सुने थे ललित नारायण माड़का दंडकारण्य पर्वतमाला विकास परिषद के यहाँ पे मौजूद है मलकानगिरी के जाने माने चेहरा समाज सेवी उत्तम ओझा तथा भगवान श्री कृष्ण जी के एकनिष्ठ भक्त है, आइए उनसे रूबरू होते। सर, आज भजन संध्या में यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने क्या महसूस किया, क्या मतलब भजन संध्या में आपने हिस्सा भी लिया था, क्या कहेंगे इसके बारे में? नमस्कार, हमें उत्तम कुमार ओझा। आज के हमारा सकल बंधु बांधव मिसे इखने MPV 83 नम्बर श्यामा काली रक्षा काली मायर पूजा चलते। ये पूजा प्रांगण सबाई उपस्थित आखने खूब सुंदर पूजा चलते, 40तम पूजा। तो ये प्रचुर ग्रामेर प्रचुर ग्रामबासी सबाई उपस्थित आछेन इखन बर्तमान एखने एखन ये कुर्ता है।
গ্রামবাসীর সঙ্গে শোক দুঃখে সবার সাথী হয়ে আমরা আসছি সবাই বন্ধু বান্ধব এখানে শ্যামা পুজো শ্যামা কালী পুজো এবং এই বাউল কীর্তন শুনতে। তো আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করব যে মা সকল মানব জাতির কল্যাণ করুক এবং সবাইকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক এই বলে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ধন্যবাদ। ইয়ে শুনে থে মালকানগিরি কে জানে মানে চেহারা তথা সমাজসেবী উত্তম ওঝা উনকে জুবানি। তো ইহাঁ পে মৌজুদ আর এক সমাজসেবী যো ভবানী শঙ্কর মুখার্জি আইয়ে উনসে রুবরু হতে। স্যার ইহাঁ পে আয়ে হে ভজন সন্ধ্যা কা যো মজা আপনে লিয়া হে ওর রক্ষাকালী মাতাজি কে ইহাঁ পে পূজা হতি হে উসকে বাবজুদ আপ ক্যা কহেঙ্গে? একচুয়ালি দেখিবাকে গলে আজি মা রক্ষাকালীঙ্কর পূজা হচ্ছে এমপিভি 83 নম্বর গ্রামে। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାତୃଭାବ ରକ୍ଷା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ଯେ ସାରା ଖାଲି ଏମପିପି 83 ନୁହେଁ ପୁରା ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ମାଆ ରକ୍ଷା କାଲି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମାଲକାନଗିରି ସମସ୍ତ ଯେତେ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜୟଗାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୀତ ବୋଲିବା। धन्यवाद। ये सुने तो समाजसेवी जो भवानी शंकर मुखर्जी उनके जुबानी एमपीबी 83 गांव में देखिए किस प्रकार जो भक्तों का समागम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रक्षाकाली माता जी के जो भक्त यहाँ पे भजन संध्या का रूप उठाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तमाम जो गांव के जो आसपास के गांव के भी जो यहाँ पे भक्त यहाँ पे मौजूद है, उनकी तरफ से ही आज भजन संध्या के जो आयोजन जो किया गया तो इसके जो लुप्त उठाने के लिए भजन संध्या में जो हिस्सेदारी लेने के लिए यहाँ पे तमाम जो गाँव के भक्त यहाँ पे पहुँचे थे। इस प्रकार जो गांव में जो हर साल के नाथ तो यहां पे जो है रक्षाकाली माता जी के जो पूजा के साथ साथ यहां पे कई कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं। उड़ीसा मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक लुगेल ग्राम पंचायत के एमपीबी 83 गांव से उड़ीसा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट आज तक 24 न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।